तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो देखो इसमें क्या है कि एक YDSC इंटरफेरेंस है, YDSC नहीं इंटरफेरेंस है, उसमें टू कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट अलग अलग इंटेंसिटी का यूज हो रही है। मतलब एक इंटेंसिटी I1 है डिवाइडेड बाई एक की I2 है, तो उसका रेशियो 1 दिया हुआ। ध्यान रखना ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं है प्यारे बच्चों, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम नहीं, ये एक जनरल इंटेंसिटी है, जनरल इंटेंसिटी का रेशियो दिया। अब ये पूछ रहा है कि आई मैक्सिमम, ठीक है, माइनस आई मिनिमम, जो कि एक अलग इंटेंसिटी होती है, डिवाइड कर दूं आई मैक्सिमम यहाँ से और प्लस आई मिनिमम जो कि एक अलग इंटेंसिटी, इसकी रेशियो पूछ रहा है व्हाट इज। तो इस एक्सप्रेशन को मैं अगर दोनों साइड आई मिनिमम से डिवाइड कर दूं, तो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम और यहाँ से -1, ठीक है, फिर टोटल का डिवीजन आई मैक्सिमम और डिवाइडेड बाय आई मिनिमम और +1 तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर नीचे आई मिनिमम से डिवाइड कर दूँ। तो अब आप पढ़ाई थोड़ा बहुत किए होगे, आई हो कि मस्ती तो किए ही होगे, पढ़ाई भी थोड़ा बहुत किए होगे। तो जो जनरल मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की जो इंटेंसिटी होती है, इसकी जो रेशियो होती है, जो फार्मूला होता है, वो √I1 जनरल इंटेंसिटी प्लस √I2 डिवाइड कर दूँ √I1 -√I2 का होल का जो स्क्वायर आ जाएगा टर्म, ये जो टर्म होती है, यहाँ से तुम आई मैक्स और इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आई मैक्स और आई मिनिमम, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्रेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, और कुछ नहीं करना है, इसी में ला के वैल्यू रख देना है। तो इस एक्सप्रेशन को तो मैं इतना भी लिख सकता हूँ, I1/I2 √+1, ठीक है ना, डिवाइड कर दूँ यहाँ से I1 और यहाँ से I2 √, यहाँ से -1, और इन सभी का जो है वो होल स्क्वायर यहाँ से टर्म चढ़ा हुआ था, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो I1/I2 की वैल्यू यहाँ से n है, तो n √1 यहाँ से, और डिवाइड कर दूँ यहाँ से n -1 और इन सभी का होल स्क्वायर। अब इस पूरे की जो ये वाली जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, ध्यान से अच्छे से समझना, ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है, पेन गड़बड़ आ गया क्या मेरा, चल जा भाई मुन्ना भाई। तो यहाँ से व्हाट हैपेंड, हाँ देखो, अब मुझे करना क्या है, हाँ, इस पूरे ये वाली जो पूरे, इस पूरी की वैल्यू एक्सप्रेशन फर्स्ट में रख देना, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, तो इस पूरे की वैल्यू ये वाली एक्सप्रेशन मुझे दिख रही है, तो इसलिए मैं इसको उठा के ऊपर वाले इसमें रखूंगा। तो ये जो आई मैक्स, यहाँ से मुझे आई मैक्स और -I min और डिवाइड कर दूँ यहाँ से आई मैक्स और +I min की जो वैल्यू फाइनली मुझे मिलेगी, उसकी वैल्यू होगी √N1+1 और डिवाइडेड बाई √N-1 का होल का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें रखा हूँ इस पूरे की, और यहाँ से -1, ठीक है, फिर डिवाइड कर दूँ यहाँ से, इस टोटल का डिवीज़न यहाँ है, तो √N+1 और यहाँ से √N-1 का होल स्क्वायर और यहाँ से +1 का डिवीज़न हुआ, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है। आई होप कि इसको बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते, प्यारा सा एक्सप्रेशन है, और इस प्यारे से एक्सप्रेशन को हम प्यारे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, ऊपर ये जो है a+b का होल स्क्वायर है, और नीचे ये वाला जो टर्म है n-1, नीचे n-1, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो इसको इधर ले जाना है, a-b पे खोलना है, और ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये वाला टर्म, ठीक है, इसको a+b पे खोलना है। तो इसको खोलते हैं a+b पे, तो a+b पे खोलूँगा तो n+1 और यहाँ से +√2n,
माइनस साइन इसको उधर ले गए, ए प्लस बी के एन प्लस वन माइनस टू रूट एन, यहाँ से नीचे वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया। सिमिलरली एन एन प्लस वन प्लस टू रूट एन, यहाँ से ए इसको एन रूट एन प्लस वन को ए प्लस बी, फिर इसको इधर ले गए और यहाँ से प्लस साइन था तो इसको खोलोगे तो एन प्लस वन और माइनस रूट टू एन, तो देखो कौन कैंसिल हो गया और बचा क्या। तो यहाँ से देख रहे हो माइनस एन और यहाँ से ये वाला, ये टर्म इनसे कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस फोर रूट एन बचा। डिवाइड कर दो यहाँ से प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाली जो माइनस वाली टर्म है ये खत्म हो गई और यहाँ से टू एन प्लस वन बचा, तो टू से टू मतलब टू रूट एन और फाइनली डिवीजन एन प्लस वन, तो ये वाली जो टर्म है इतना हमारी बचेगी। तो फाइनली अपनी जो सोल्यूशन आ जाएगी वो आ जाएगी रूट टू एन, दैट इज यहाँ से बी ऑप्शन अपना सही मैच कर जाता है। थैंक यू।